बरसात ने इस बार हमीरपुर में जमकर तबाही मचाई है और अकेले हमीरपुर पीडब्ल्यूडी सर्कल को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा है। विभाग को 63 करोड़ के करीब नुकसान पहुंचा है, जिसमें 5 डिवीजनों में सबसे ज्यादा नुकसान धर्मपुर डिवीजन में हुआ है। धर्मपुर में बरसात में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है और सैकड़ों का नुकसान पहुंचा है। धर्मपुर डिवीजन में सबसे ज्यादा 19 करोड़ से ज्यादा नुकसान आंका गया है। पीडब्ल्यूडी सर्कल अधीक्षक अभियंता NP S चौहान के अनुसार बरसात की वजह से खराब हुई सड़कों और डोंगों के हालत को सुधारा जा रहा है। बरसात ने इस बार हमीरपुर में जमकर तबाही मचाई है और अकेले हमीरपुर पीडब्ल्यूडी सर्कल को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा है। विभाग को 63 करोड़ के करीब नुकसान पहुंचा है, जिसमें 5 डिवीजनों में सबसे ज्यादा नुकसान धर्मपुर डिवीजन में हुआ है। धर्मपुर में बरसात में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। धर्मपुर डिवीजन में सबसे ज्यादा नुकसान 19 करोड़ का हुआ है। पीडब्ल्यूडी सर्कल अधीक्षक अभियंता NP S चौहान के अनुसार बरसात की वजह से खराब हुई सड़कों और डंगों की हालत को सुधारा जा रहा है। पीडब्ल्यूडी सर्कल अभियंता NP S चौहान ने बताया कि हमीरपुर सर्कल के तहत 16.5 करोड़ का सड़कों को नुकसान पहुंचा है और सड़कों के साथ लगते सैकड़ों डंगों के गिरने से भी 16 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। उन्होंने बताया कि PWD सर्कल के तहत हमीरपुर के 4 डिवीजन और एक मंडी जिला का धर्मपुर डिवीजन आता है। उन्होंने बताया कि बरसात ने सबसे ज्यादा नुकसान धर्मपुर डिवीजन को पहुँचाया है। अभी तक हमारे विभाग को कुल मिला कर 63 करोड़ के करीब जो है अभी तक लॉस हो चुका है। उसमें हमारे पास 5 डिवीज़न पड़ते हैं, 4 डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के हैं और एक डिस्ट्रिक्ट मंडी का है। तो सबसे ज़्यादा डैमेज इसमें से हमारा धर्मपुर डिवीज़न में हुआ है, वो 20 करोड़ से भी ज़्यादा है। बाकी जो 4 डिवीज़न हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के, उनमें लगभग जो है वो 43 करोड़ का टोटल डैमेजेस का लॉस हुआ है। हमारे यहाँ पे जो रोड क्रस्ट है उसमें भी काफ़ी डैमेजेस हैं। लगभग हमारा 16.5 करोड़ के करीब जो है वो रोड क्रस्ट पे, रोड का जो सरफेस टूटा हुआ है लगभग उसमें इतना है। रिटेनिंग वॉल में भी हमारा 16 करोड़ के करीब जो है वो डैमेजेस हैं। छोटे सी ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।